बिसम रिम असल वेलकम बैक और जनाबे वाला आज हमारा लेक्चर नंबर 14 और आज का टॉपिक जिस तरह आपको पता चल रहा है बुक के आखिर में जा रहे हैं या हम जिस सीरीज़ के आखिर में जा रहे होते हैं तो हम बड़ी बड़ी बातें करने शुरू कर देते हैं सो वी आर गोना टॉक अबाउट बिग थिंग विच इज़ कॉल्ड मॉड्यूल एंड पैकेजेस अब 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 वी आर नॉट लर्निंग अबाउट हाउ टू राइट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी अब वी आर टॉकिंग अबाउट कि अब हमारा प्रोग्राम बड़ा होना शुरू हो गया हमने बड़े बड़े कोड लिखने शुरू कर दिए तो अब हम क्या करेंगे तो uh,

ऑब्जेक्ट्स। uh, तो अब हम लोग ऐसे प्रोग्रामर बन गए हैं जो अब ना हार्ड कोर किस्म की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया अब हम मसला ये है कि हम जो सा है मॉड्यूल्स uh, बनाना चाह रहे हैं पैकेजेस बनाना चाह रहे हैं तो सवाल ये पैदा होता है मॉड्यूल क्या होते हैं पैकेजेज़ क्या होते हैं आपका कोड बहुत बड़ा हो गया ठीक है एक बड़ी फाइल के अंदर सिंगल फाइल के अंदर आपका कोड एक्जिस्ट नहीं कर सकता लाइक दिस इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल आपका कोड इतना बड़ा हो गया कि सिंगल फाइल में आप एग्जिट नहीं कर सकते तो आप अपनी ज़िंदगी और वो लोग जो आपका कोड यूज़ करते हैं उनकी ज़िंदगी ईजियर करना चाहते हैं

कैट ओ की फाइल कर रहा है या एक्स की फाइल कर रहा है एक्स टाइप डिवाइसेस के लिए या आईओएस ओ ई टाइप की डिवाइसेस मुझे इस टाइम वर्जन नंबर्स नहीं पता ठीक है तो अब हमारा जो सा स्ट्रक्चर है ना प्रोग्राम का मोर कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया तो हमने मेरे में भी मल्टीपल फोल्डर्स बनाने शुरू कर दिए जो हमारा कोड था वो मल्टीपल फोल्डर्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट ले आते हैं पैकेजेस का तो पैकेजेस मोर एडवांस मोर कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल्स दैट आर यूज इन अ डिफरेंट फोल्डर स्ट्रक्चर ठीक है दिस इज कॉल्ड पैकेज सही हो गया कभी कभी प्रोग्रामर्स जो है टिपिकल प्रोग्रामर जिस तरह हम फंक्शन और मेथड को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं इसी तरह ये मॉड्यूल और पैकेजेस को भी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं सिर्फ मॉड्यूल और पैकेज के अंदर ये डिफरेंस होता है कि मॉड्यूल्स जब आपके पास पैकेज सॉफ्टवेयर कोड होता है तो उसके अंदर जो सी है डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं और उसके अंदर इनिट अंडर स्कोर अंडर स्कोर इनिट अंडर स्कोर अंडर स्कोर डॉट पाइथन ठीक है यानी आई आई एन टी डॉट

पैकेज किया वो ही मॉड्यूल है मगर उनको डिफरेंट फोल्डर्स में रख दिया और हर फोल्डर के अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट पाइथन फाइल ठीक है अच्छा उसके बाद आप सोच रहे होंगे लाइब्रेरी क्या है लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पैकेजेस मगर पाइथन के अंदर नॉर्मली पैकेज और लाइब्रेरी इज यूज्ड इंटरचेंजेबली तो याद करें शुरू के लेक्चर्स में मैंने कहा होगा पाइथन लाइब्रेरी इंपोर्ट की या मॉड्यूल इंपोर्ट किया तो आप मुझे अगर एग्जैक्टली उस चीज़ पे पकड़ रहे होंगे तो यू आर एब्सोल्युटली राइट प्रोग्रामर जो हैं वो चीज़ें जो हैं बहुत इंटरचेंजेबली यूज करते हैं ठीक है सिंपल मॉड्यूल बनाना है मॉड्यूल क्या कि मैंने एक फाइल बनाई फाइल रीड ऑट पाइथन और मैंने वहां पर एक फंक्शन डिफाइन किया फंक्शन और रीड डिवाइसेस और यहाँ पे एक वैल्यू ली और उसको रिटर्न कर दिया हमें पता ही है ये सारे काम हमने किए फिर एक और फंक्शन बनाया प्रिंट डिवाइसेस इंफॉर्मेशन और उसे प्रिंट कर दिया अब मेन के अंदर जाके मैंने इसको इस मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया ठीक है इम्पोर्ट रीड रीड से क्या इम्पोर्ट हो रहा है ये वाला रीड पाइथन का कोड इम्पोर्ट हो रहा है ये दो डिफरेंट फाइल है ये मेरी एफ वन है और ये मेरी एफ टू है ठीक है ये मेरी आज राइटिंग बहुत मजीद घटिया होनी शुरू होगी ठीक है अच्छा तो उसके बाद मैंने क्या किया डिवाइसेज अंडरस्कोर लिस्ट में इस फंक्शन को कॉल किया रीड अंडर डिवाइसेज इनफो ठीक है जो ये यह यहाँ पे पड़ा हुआ था उसको कॉल किया और उसमें डिवाइसेस की जो वैल्यू जो मुझे रिटर्न होगी तो ये फंक्शन एक्चुअली क्या कर रहा है ये कंप्लीट कोड नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये कोड आप चला के देखें और आपका चले ना तो मुझे मारे पकड़ के आ, वहां से की रीड कर रहा है और उसके बाद फिर ये प्रिंट के फंक्शन को कॉल करके उसमें ये प्रिंट करवा रहा है सही हो गया सिर्फ इतना सा काम हो रहा है तो यूं आप मॉड्यूल बनाते हैं एक फाइल ली उसके अंदर आपने कोड लिखना शुरू कर दिया और उस कोड को जो सा फिर डिफरेंट फाइल के अंदर कॉल करना है सही हो गया तो आपने दो फाइल्स थी मगर उसमें इंपोर्ट रीड करना है आपने पैक मॉड्यूल को कॉल करना है सही हो गया सो लेट्स कोड कोड करने से पहले मैं आपको अपने टेस्ट पैकेज के ऊपर लेके जाता हूँ ठीक है आई आई रोटेट विद द हेल्प ऑफ समवन विच आई एम गोना इंट्रोड्यूस लेटर ऑन सो इससे पहले मैं आपको जो सबसे पहले रीड फाइल इसकी दिखाता हूं

उसकी एक स्पेसिफिक फाइल होगी ये फोल्डर है उसके अंदर ये फाइल है और ये पैकेज पैकेज की इनिट फाइल है ठीक है और और एक एक मॉड्यूल और बनाया विच इज कॉल्ड कनेक्ट सो रीड मॉड्यूल क्या कर रहा है फाइल से कोई इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहा है रीड करने के बाद वो इंफॉर्मेशन को उठा के कनेक्ट मॉड्यूल में भेज रहा है कनेक्ट मॉड्यूल जो सा है उस फाइल से जो उसने रीड फंक्शंस ने जो क्रेडेंशियल ग्रैब किए थे उस क्रेडेंशियल की बेस पे कनेक्ट कर रहा है कनेक्ट करने के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन उसे आउटपुट मिल रही है उसको राइट मॉड्यूल में डाल रहा है ठीक है और फाइल हमारे पास क्रीडेंशियल डॉट टेक्सट आउटपुट डॉट चेक टाइम डॉट पाइथन दिस इज अ पाइथन मॉड्यूल और मेन डॉट पाई ठीक है मेन डॉट पाई पाइथन अच्छा ये जो मैंने चीज़ बताई है ना पाई कैश व्हेन रन अ प्रोग्राम इन द पाइथन व्हेन यू स्क्रिप्ट बुला बुला ठीक है मैं ये ये एक, एक तरीके कार से मैं ये कोड शेयर करूँगा मुझे नहीं पता मैं ये क्रीडेंशियल शेयर कर सकता हूँ यानी तो अभी कोड को देखने से पहले ये मेरी क्रेडेंशियल की फाइल है यहाँ पे दो स्विचेस के क्रेडेंशियल पड़े हुए हैं हमें पता है कि पहले में आईपी एड्रेस है मैं आईपी एड्रेस यूज नहीं कर सकता यूजर नेम है पासवर्ड है और पोर्ट नंबर है फिर डिवाइस टू वही मेरे पास एक ही डिवाइस है तो इसलिए मैं यही यूज कर रहा हूँ ये सिस्को की डिवाइस है इसलिए मुझे नहीं पता मैं पब्लिकली आपसे ये चीज शेयर कर सकता हूँ यानी मैं अपने कोड में दिखा सकता हूँ अच्छा उसके बाद आपके पास एक आउट डॉट ये आपका जो कोड जब रन होगा तो ये आपको आउटपुट देगा शो वर्जन और उसकी आउटपुट देगा ठीक है वो दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करेगा उसकी भी आउटपुट इस फाइल को ना मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने पिछले फाइल कोड uh, में एग्जीक्यूशन में की थी आउटपुट के अंदर वो आपको बताएगा कि क्या क्या वर्जन नंबर इस डिवाइस के अंदर यूज़ हो रहे हैं याद है रेजेक्स वाली जो हमने कोड uh, uh, पढ़ा था वो रेजेक्स को यूज़ करेगा उसके बाद रीडमी तो कोड के बारे में अच्छा सबसे पहले हम जाते हैं कनेक्ट मॉड्यूल ये जो इसमें से एक मॉड्यूल यूज नहीं हो रहा ठीक है एक सेकंड में जो देख लू कि हम लोग थोड़े लेजी हो गए थे रीड मॉड्यूल कनेक्ट मॉड्यूल राइट मॉड्यूल ओके एंड मेन रीड डॉट टेक्स्ट हो रहा है और कनेक्ट मॉड्यूल हो रहा है ये राइट का मॉड्यूल नहीं हो रहा मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में हम लोग राइट का मॉड्यूल नहीं यूज कर रहे अच्छा जी रीड का मॉड्यूल उसी तरह भाई कैश इन इट जो पैकेज के लिए यूज होती है और यहाँ पे फाइल है सिंपल काम कर रहा है यूजर की लिस्ट क्रिएट की क्रेडेंशियल डॉट टेक्स्ट फाइल को खोला काउंट इज इक्वल टू काउंट को जीरो कर दिया temp अंडरस्कोर लिस्ट एम्प्टी temp लिस्ट है फॉर लाइन इन आर काउंट इज लेस देन 4 ये 4 क्यों लिखा हुआ है क्योंकि अगर आप देखें तो हमें पता है कि हमारे क्रिडेंशियल के अंदर जो हैं चार वैल्यूज हैं ठीक है तो मैं लिस्ट में जीरो वन टू थ्री तीन वैल्यूज सेव कर चार वैल्यू सेव करूंगा फिर उसके बाद मैं उसे कहूंगा ये दूसरी फाइल आ गई ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं मैं सब लिस्ट बना रहा हूं ठीक है यूजर लिस्ट काउंट इज इक्वल टू जीरो Value is less than four, फिर plus बात की हुई है दिस फंक्शन रिटर्निंग अग लिस्ट ऑफ यूजर लिस्ट से फॉर एग्जाम्पल फ्रूट इज इक्वल टू रेड एपल ग्रीन एपल येलो एपल ये मेरी लिस्ट वन बन गई जो लिस्ट जीरो है ठीक है रेड एपल ग्रीन एपल येलो uh, एप्पल अगर मैं कहूं जीरो डॉट जीरो मुझे चाहिए तो वो मुझे रेड एप्पल रिटर्न करेगा ठीक है ये सब लिस्ट है ये इस लिस्ट के अंदर फ्रूट लिस्ट के अंदर ये लिस्ट वन है और ये लिस्ट टू है तो जितनी वैल्यूज पड़ी होंगी चार पहली चार वैल्यूज की एक लिस्ट बन जाएगी अगली चार वैल्यूज की उसी लिस्ट की एक और सब लिस्ट बन जाएगी उससे अगली चार वैल्यू की एक और एक्स्ट्रा लिस्ट बन जाएगी ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे सब लिस्ट है तो ये जो लाइन ऑफ कोड है ये क्या कर रही है एक लिस्ट के अंदर सब लिस्ट बना रही है ठीक है दिस इज कॉल्ड लिस्ट जीरो दिस इज कॉल लिस्ट वन द अदर वन अगर मोर वैल्यूज पड़ी होंगी लिस्ट टू लिस्ट थ्री लिस्ट फोर अगर मैंने इस लिस्ट की पहले कंपोनेंट को कॉल करना है तो मैं करूंगा प्रिंट फ्रूट रेड एप्पल अगर मैंने ये रेड रेड ऑरेंज निकालना है क्योंकि ये एक apple एक एप्पल लिस्ट है ऑरेंज लिस्ट है तो मैं इसको क्या करूंगा वन जीरो का मतलब मुझे रेड ऑरेंज आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा क्योंकि ये लिस्ट से रिलेटेड और मेरे ख्याल में मैंने पढ़ाया हुआ है सब लिस्ट तो ये क्या कर रहा है उस फाइल से इन्फॉर्मेशन उठा रहा है और उस वैल्यू को एक लिस्ट में सेव कर रहा है और उसके बाद ये फंक्शन क्या कर रहा है इस रिटर्न को इसको रिटर्न कर रहा है यूजर लिस्ट के अंदर ठीक है जो जब भी मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा यहाँ पे यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रीड मॉड्यूल और मेरे पास यूजर लिस्ट इज इक्वल टू रीड टेक्स्ट फाइल ठीक है रीड और रीड फाइल

और मेरे पास ये यह उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है अब जिस तरह मैं कनेक्ट की बात करता हूँ तो मैंने कनेक्ट के लिए एक लैदा से मॉड्यूल बनाया हुआ है। ठीक है और उसमें क्या करूंगा कनेक्ट के अंदर कनेक्ट अंडर डिवाइसिस के नाम पे एक फंक्शन पड़ा हुआ होगा उसको कॉल करेंगे सही हो गया गला थोड़ा खराब है वापस रिज्यूम करते हैं अच्छा तो हमने देख लिया कि डिफाइन मेन मेन फंक्शन किया हुआ है यूजर अंडरस्कोर लिस्ट यूजर अंडरस्कोर लिस्ट हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रीड अंडरस्कोर टेक्स्ट ये हमारा जो सा एक स्पेसिफिक पैकेज है उस पैकेज का नाम है रीड अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट पाइथन और उसमें एक एक मेथड है रीड अंडरस्कोर फाइल फाइल uh, उसको हमने कॉल किया और उसमें से जो वैल्यू हमें मिली हमने उसको अपनी यूजर एंडरस्कोर लिस्ट में कर लिया जिस तरह यूजर एंडर स्कोर लिस्ट में प्रिंट आउट करूंगा तो वो जो दो यूजर वैल्यूज होंगे ना वो मेरे पास प्रिंट आउट हो जाएंगे सही हो गया यहां तक हमें बात क्लियर होगी अब फॉर यूजर इन अर एंडस्कोर लिस्ट जो पहला यूजर अब उसको यूज करते हुए मैंने क्या करना है कनेक्ट फंक्शन कनेक्ट के पैकेज को कॉल करना है ठीक है कॉलिंग कनेक्ट मॉड्यूल फ्रॉम कनेक्ट पैकेज ठीक है कनेक्ट पैकेज कहाँ पड़ा हुआ है ज़ाहरा फाइल में पड़ा होगा और कनेक्ट अंडर स्कोर पैकेज ये अंडर स्कोर मॉड्यूल इस गलत राइटिंग किया हुआ कोनेक्ट अंडर स्कोर मॉड्यूल और ये यहाँ पे कनेक्ट है इग्नोर दिस आउटपुट फाइल ठीक है ये एडिट इन नोट पैड यह आपका पैरामिकू वाला काम है ठीक है पैरामिकू में हमने कनेक्ट अंडर स्कोर डिवाइस डिफाइन फंक्शन किया हुआ है इसीलिए मेन में कनेक्ट अंडर स्कोर डिवाइस कॉल हो रहा है कनेक्ट पैकेज का नाम और उसके अंदर कनेक्ट अंडर स्कोर डिवाइस और यूजर की इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहे हैं पासिंग यूजर इन्फॉर्मेशन एज अ लिस्ट यूजर इन्फॉर्मेशन क्या थी हमारी ये ये सारी की सारी वो जो चार वेरिएबल्स हैं सही हो गया अब जिस तरह हमारे पास आए वो लिस्ट में वेरिएबल कैसे स्टोर हुए है? जीरो वन टू थ्री

एस एस एच क्लाइंट इन वो का शेल शेल इन वो किया एंटर की की दबाई शो वर्जन किया तीन चार दफा एंटर किया और उसको दो सेकंड के लिए स्लीप किया मुझे याद है पिछले एक कोड के अंदर ना मैंने स्लीप नहीं किया हुआ था तो वो मुझे आउटपुट बार बार रिपीट हो रही थी फिर बीच में वीडियो भी कट गई तो यहाँ पे स्लीप जरूर कराना है क्योंकि आपने सिस्टम को इतना टाइम देना है कि वो शो वर्जन की आउटपुट ग्रैप कर सके और आउटपुट में वो दिखाए और यहाँ पर थोड़ा सा ना शशका भी डाला हुआ वर्किंग सही हो गया और आउटपुट स्ट्रिंग आउटपुट यानी वो कर दी है और आउट डॉट टी एक्स टी में राइट कर दिया राइट हो रहा है और क्लोजिंग द कनेक्शन ठीक है और एक्सट्रैक्टिंग द फाइल इंफॉर्मेशन अब ये यह पे ना वो रीड राइट का फंक्शन को ना कंबाइन कर दिया इसलिए हम राइट नहीं यूज कर रहे माई फाइल इज इक्वल टू आउट डॉट टेक्स्ट उसे रीड किया वर्जन लिस्ट फॉर फाइल कंपाइल किया ये रेजेक्स कंपाइल हो रहा है ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है वर्जन पैटर्न नंबर और उसकी आउटपुट को हमने जो सा है आउट डॉट टेक्स्ट में रख दिया ठीक है नहीं

हम हम मैनुअली प्रोग्राम कर लेंगे तो अनफॉर्चुनेटली वे एडिट विद नोटपैड राइट का पैकेट बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वर्जन लिस्ट मुझे मिली जो मुझे वो मिली है ओपन अपेंड कर रहा हूं मैं ठीक है और ज्वाइन वर्जन अंडरस्कोर लिस्ट एंटर कर दिया तो मुझे जो आउटपुट मिल रही है वो मेन के फंक्शन के बाद वो मैं राइट करके डन विद द यूजर काउंट प्लस प्लस वन कर दिया और प्रिंट No match found. अगर आपको मैच नहीं मिला current time is equal to, अच्छा ये check time. ये क्यों किया हमने? सिर्फ आपको ये differentiate कराने के लिए मोड्यूल इम्पोर्ट करने का और ये हम पैकेज इंपोर्ट कर रहे हैं सही हो गया ये तैसे डिफरेंस और इफ अंडरस्कोर नेम इज इज इक्वल टू इज इक्वल टू अंडरस्कोर मेन और यहाँ पे मेन कॉल हो रहा है ये सारे का सारा मेन फंक्शन है बात समझ आ गई एक दफा अगर आप चाहें तो हम इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं ठीक है रिवाइज में यह हो रहा है कि हमने जी तीन पैकेजेस बनाए हुए हैं रीड अंडर स्कोर मॉड्यूल कनेक्ट अंडर स्कोर मॉड्यूल और राइट अंडर स्कोर मॉड्यूल ठीक है और उसमें फंक्शन डिफाइन हुए हैं ठीक है अच्छा अब हमने क्या किया और यहाँ पे टाइम भी इंपोर्ट किया हुआ है मेन का एक फंक्शन डिफाइन किया यूजर अंडर स्कोर लिस्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ हुआ है और उसमें रीड अंडर स्कोर टेक्सट पैकेज का नाम है और उसके अंदर रीड अंडर स्कोर फाइल का एक फंक्शन है और उससे यूजर लिस्ट प्रिंट आउट की ठीक है कि कौन कौन सी यूजर्स को हमने कनेक्ट करना है डिवाइस लिस्ट भी कह सकते हो आप इसे ठीक है और उसके बाद हर यूजर की वैल्यू को लेके उसको कनेक्ट uh, किया उस राउटर को और उस राउटर से वर्जन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की और उस वर्जन इंफॉर्मेशन को रेजेक्ट कर लिया रेजेक्ट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को राइट करा दिया फाइल के अंदर दैट इज वट वी हैव डन समझ आ गई और वहां पे फिर सारा कुछ चेक कराने के बाद आखिर में टाइम चेक भी दे रहे हैं ठीक है टाइम चेक इज ब्रॉड टू यू बाय उर्दू बाई टी मेन और यहाँ पे मेन रन हो गया ठीक है अब हम जरा ये कोड चला के देखते हैं और ये फाइलें शाइलें भी डिलीट कर लेते हैं जो हमारे मेन के अंदर पड़ी हुई है ठीक है क्रेडेंशियल्स को हम डिलीट नहीं कर सकते आउट uh, को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे सिर्फ वर्जन इंफॉर्मेशन है मगर वी आर मेनली इंटरेस्टेड इन दिस फाइल और अवर आउटपुट वुड लुक लाइक दिस अब यहाँ पर मैं अगर पाइथन पाइथन मेन अंडर स्कोर पाई करू तो ये देखें आपको ये अगर मैं यहाँ पे पास कर सकूं तो यहाँ पे मैंने वो लिस्ट दिखा रहा हूँ लिस्ट इसको कर लेने दे पहले पूरा ठीक है ये यह यहाँ पे मुझे लिस्ट दिखा रहा है यहाँ पे ये यह मुझे लिस्ट दिखा रहा है वो जो लिस्ट मैंने मैंने आपको एक्सप्लेन की थी लिस्ट का कंपोनेंट वन और लिस्ट का कंपोनेंट टू जिसे हम सब लिस्ट कह रहे हैं लिस्ट वन और लिस्ट टू या लिस्ट जीरो और लिस्ट वन जीरो डॉट जीरो जीरो डॉट वन जीरो डॉट थ्री वन डॉट जीरो वन डॉट वन वन डॉट टू वन डॉट थ्री ओके और उसके बाद मैंने ये पहला यूजर इस यूजर को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ठीक है वो यहां पे एक्सप्लेन करता है एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले नहीं करनी चाहिए थी ये सिर्फ कोड को मेक श्योर कि हमारा कोड सही काम कर रहा है ठीक है अटेम्प्टी पैराम कनेक्शन टू दिस डिवाइस उसका यूजर नेम भी बता दिया ये भी वर्किंग क्लोजिंग कनेक्शन ठीक है डन विद द यूजर वन उसके बाद ये ये वेरिएबल एड हो रहा है ठीक है और उसके बाद कनेक्टिंग टू द यूजर टू उसको भी कनेक्ट किया क्लोजिंग कनेक्शन आपने चाय बनाई दिस इज करंट आई ठीक है ये यहाँ पे जो है मॉड्यूल कॉल किया हुआ और आपको आउटपुट आ जाएगी तो आप जब आउट का फंक्शन देखेंगे तो ये आपकी वो जो वर्जन शो वर्जन की आउटपुट है वो जो तीन एक दफा एंटर मारा है उसके बाद शो वर्जन की आउटपुट जो प्रिंट आउट हुई है वो है और उसके बाद ये दूसरी है ये दूसरी है ये यहाँ पे से शुरू हो रही होगी एक सेकेंड शो वर्जन सिस्टम दिस इज अकेंड बेटर ठीक है या मुझे गलती लग रही है कहीं पे एनीवे anyway, वे दो दफा आउटपुट शो हुई हुई हमें से ज्यादा कंसर्न नहीं है हमें है आउटपुट और टेक्स्ट और मेरे पास ये दो राउटर्स के वर्जन नंबर आ गए अब सवाल ये पैदा होता है ये एक दो तीन चार पाँच ओ का वर्जन कौन सा तो नॉर्मली हमें पता है कि हम अपने रेजक्स को हल्का सा ट्वीक करें और उसको कहें यार ये भैया ये वाले रेजेक्सेज नहीं चाहिए मुझे कंपलसरी है कि सिक्सटीन नाइन और थ्री चाहिए यानी वेरिएबल वेरिएबल Um, variable variable integer integer dot integer डॉट इंटीजर अगर ये ये कम्बिनेशन है तो मुझे दिखाओ अदरवाइज नहीं दिखाओ तो उससे आप ये सारे हजफ कर लेंगे और आपके पास सिर्फ ये 16.09.03 आ जाएगा सही हो गया तो इस तरह आपके कोड की आउटपुट आ जाएगी और उसके बाद आप फर्दर काम कर सकते हैं इसी तरह आप क्या कर सकते हैं आपने अगर, अगर अपने ओ एस पी एफ का आपका आई पी राउट या शो आई पी राउटिंग टेबल जो भी आपका कमांड है शो आई पी राउट और उससे आपको पता जी आई जीरो 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 वन पे मुझे चार रूट्स नजर आते हैं थ्रू ओ एस पी एफ आपने वो आउटपुट डिस्प्ले करने वो आउटपुट डिस्प्ले करा सकते हैं अब, अब, अब मैं अगर अपनी सिक्योरिटी की है पहनू तो यार डू यू रियली वांट टू कीप इन द टेक्स्ट फाइल नो ठीक है दैट इज अ लिटिल बिट ऑन टेंजेंट के आप पाइथन के अंदर किसी फाइल में पड़े हुए क्रेडेंशियल्स को इंक्रिप्ट कैसे करेंगे और उसको डिक्रिप्ट कैसे करेंगे और कोड के अंदर वो की कैसे रखेंगे की को कॉल कैसे करेंगे मेरे ख्याल में ना ये थोड़े से एडवांस टॉपिक की तरफ चले जाता है क्योंकि वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ अदर स्टफ अगर टाइम मिला तो पढ़ाऊंगा अदरवाइज आप अब इतने एडवांस लेवल के प्रोग्रामर बन चुके हैं कि आप कहीं से कोड उठा के उसको पढ़ सकें सही हो गया uh, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है सर ये अपना कोड शेयर करें तो हम ये सारे कोड जो है ना एक एक लेक्चर के अंदर शेयर करेंगे विच आई वॉन्ट टू वेट फॉर एंड ट्रस्ट में इट वुड बी वर्थ वेटिंग फॉर सही हो गया तो दैट इज़ मच इट वी टू डू आज हमने जो जोसा एक पैकेज बनाया एक पैकेज यूज किया बनाया नहीं पैकेज यूज़ किया और उस पैकेज से रीड राइट और कनेक्ट के के फर्दर पैकेजेस लिखे तो इसका ये फायदा हुआ कि जी काशिफ जो है वो रीड के पैकेज पे काम करेगा आसिफ जो राइट के आतिफ जोन सा वो कनेक्ट के पैकेज पे काम करेगा तो ये हर बंदा जो सा डिफरेंट पैकेजेस पे काम कर सकता है एंड दे वुड फोकस ऑन देयर स्टाफ और जाहिर है इट वुड बी अ प्रॉपर डिटेल डायग्राम जिस तरह मैंने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में बताया था कि फर्स्ट बिफोर यू राइट सिंगल लाइन ऑफ कोड यू टू ड्रा इट यूनी टू अंडरस्टैंड इट वट वी वॉन्ट टू डू वेर वी आर वेर वी वान टू बी और उसके बाद आप कोडिंग uh, शुरू करते हैं सो दैट दट इज वट इट इज रिकमेंडेड टू डू इट दैट वे तो खुश रहें दुआ में याद रखें आई होप आप लोगों के ज्यादा हेड एक नहीं हो रही इस टाइम तो फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज